आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। केजरीवाल को सताया जेल का डर। बैठक में गिरफ्तारी को लेकर दिया बयान। नए साल पर जहां लोग जश्न मना रहे हैं तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चिंता में डूबे हैं। केजरीवाल को अंदर ही अंदर गिरफ्तारी की चिंता सता रही है। केजरीवाल को डर है कि उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार को वर्चुअली आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुझे भी जेल जाना पड़ सकता है। पिछले 12 साल में आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। हमने वो काम करके दिखाया है जो 75 साल में भी दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई। पिछले 2 साल में पंजाब में किया गया आप सरकार का काम ये दिखाता है कि अगर पूर्ण राज्य में हमारी सरकार हो तो हम बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने पार्टी की उपलब्धियों को लेकर आगे कहा कि आपने 10 साल में ही राष्ट्रीय राजनीति में बहुत प्रभावशाली दस्तक दी है। देश में पहली बार विरोधी पार्टियां भी स्कूल अस्पताल पर बात करने को मजबूर हुई हैं। केजरीवाल ने अपनी नीतियों और विजन को लेकर विपक्षी पार्टियों पर बड़ा आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमारा गारंटी शब्द और मैनिफेस्टो को चुरा लिया है। अब ये लोग भी मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी की बात करने लगे हैं। इन लोगों ने जनता को गारंटियां तो दी लेकिन किसी ने पूरी नहीं की, क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, जबकि हम अपनी सारी गारंटी पूरी कर रहे हैं। हमारी मजबूत दस्तक की वजह से हमारे 5 नेता जेल में हैं, लेकिन हमें उन पर गर्व है। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त में इलाज कराने जैसी बात करेंगे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, और हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा। अगर हम सफल नहीं होते और कुछ अच्छा नहीं करते तो हमारी पार्टी के किसी भी नेता को जेल नहीं होती, कोई भी नेता जेल नहीं जाता। इसके साथ ही केजरीवाल ने आगे कहा कि देश की 2 बड़ी पार्टियों ने 75 साल तक राज किया है, यह लोग ऐसे ही इतनी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। हमारे सामने संघर्ष है लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाले मामले में जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार समन जारी किया है। तीसरे समन में केजरीवाल को जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए आगामी 3 जनवरी को बुलाया है। मामले में आपके 2 नेता संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल की सलाखों में कैद हैं। बहरहाल केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक जरूर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।